हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज बुधवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। 20 दिन मध्यरे निवेशक मानंकु 9122 कोटि फेरस्त पई फ्रैंकलिन टेम्पलटन को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। आसंता 20 दिन मध्यरे फ्रैंकलिन टेम्पलटन रो 6टी म्युचुअल फंड स्कीम रे निवेश करितिबा लोक मानंकु 9122 कोटि टंका प्रदान पई सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछंती। एसबीआई म्युचुअल फंड माध्यम रे एही अर्थ आवंटन करा जिवो। एही निर्देश पालन रे जदि कोनोसी समस्या देखा दिए तेबे निवेशकों समेत सबु पक्ष सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होई परिबे। गत डिसेंबर 3 रे सुप्रीम कोर्ट फ्रैंकलिन को एक निर्देश जारी करी कहिथिले जे एक सप्ताह मधेरे यूनिट धारी को बैठक डाकी स्कीम बंद पई सेमानन को अनुमोदन हासिल करिबे। डिसेंबर शेष सप्ताह रे एति पई यूनिट धारी को मधेरे वोट ग्रहण होइतिला ओ अधिकांश यूनिट धारी स्कीम बंद करी अर्थ फेरस सपक्ष रे मत देइथिले। परवर्ती टीला पुओ को न्याय मिलिबा जाय लढिबे। मानव प्रेमी आदित्य को हत्या घटना को नै गतकाली तांको बापा नवकिशोर दास गणमाध्यम रे मुह खोली छंती। से कहि छंती जे पुओर हत्या को 7 मास पुरिबा को जाउछि, हेले ए पर्यंत हत्याकारी को पुलिस जानी सुनी गिरफ करू नाही। जीआरबी पुलिस ओ क्राइम ब्रांच हत्याकारी को जानी छंती किंतु बडबडियां को चापरे हत्या मामला को चापु छंती ओ आत्महत्या बोली कहू छंती। मो पुओ को योजना करी हत्या करा जायछि, आमे सीबीआई तदंत करिबा को दाबी करिछु। मो पुओ को न्याय मिलिबा जाय मु शेष पर्यंत लढिबे, आवश्यक हेले सुप्रीम कोर्ट जीवी बोली मानव प्रेमी को बापा कहि छंती। सूचना योग्य आदित्य दास को मृतदेह जुलाई 7 तारीख दिन रेलवे पुलिस लिंगराज रेल स्टेशन निकट रु उद्धार करितिला। पुलिस मृतदेह को व्यवच्छेद पई कैपिटल हॉस्पिटल पठाई देतिला आ एहा परे क्राइम ब्रांच तदंत निर्देश दिया जायतिला। एबे सामाजिक कर्मी मानव प्रेमी आदित्य दास को हत्या करा जायतिबा नै कोनोसी प्रमाण ए पर्यंत तदंत रु मिलि पारि नाही। एहा एक आत्महत्या घटना बोली देखा देउछि। परवर्ती टीला 6 रु कोरोना सम्मुख योद्धा को दिया जीव टीका। सबु जिल्लापाल को चिट्ठी लेखिला राज्य स्वास्थ्य विभाग। आसंता 6 तारीख ठारु कोरोना सम्मुख योद्धा को दिया जीव टीका। एने अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र जिल्लापाल सीडीएमओ कैपिटल हॉस्पिटल और राउरकेला सरकार हॉस्पिटल को चिट्ठी लिखी छंती। स्वास्थ्य विभाग रो चिट्ठी रे निर्देश दर्शा जायछि जे मेडिकल छड़ा विकल्प टीकादान केन्द्र पई चयन करा जाओ। कार्यक्षेत्र परिसर रे टीकादान केन्द्र को अग्राधिकार निर्देश दिया जायछि। सेहि बोली स्वास्थ्यकर्मी को छड़ा अन्य विकल्प टीकाकर्मी को नियुक्ति पई परामर्श दिया जायछि। टीका जेमिति अपचय न हुए सेति पई विकल्प कर्मचारी को तालीम दिया जिबा को परामर्श रहिछि। सरकार टीकाकर्मी को दैनिक 500 भत्ता देबा को चिट्ठी रे निर्देश देइछंती। परवर्ती टीला खूब शीघ्र ओडिसा को आसिबो आउ 1,46,000 टीका। खूब शीघ्र ओडिसा रे पहुंचिबो आउ 1,46,590 टी कोरोना टीका। ए संपर्क रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु ओडिसा सरकार को पत्र लेखि सूचित करा जायछि। एही 1,46,590 टीका मध्यरु 63,090 टी कोविशील्ड टीका ओ 83,500 टी कोवैक्सीन टीका रहिछि। आसिबाकु थिबा 63,090 टी टीका मध्यरु 20,730 टी टीका चेन्नई स्थित सरकारी औषध डिपो, 42,360 टीका मुंबई स्थित सरकारी औषध डिपोरु आसिबो। केंद्र सरकार पूर्वरु ओडिसा को 8,11,000 टीका जोगाई देथिले। एठारे उल्लेख योग्य जे ओडिसा समेत सारा देश रे गत जनवरी 16 रु कोरोना टीकाकरण आरंभ होईछि। सेहि परि आसंदा 6 तारीख रु राज्य रे सम्मुख कोरोना योद्धा मानक पय टीकाकरण आरंभ हेबो। परवर्ती टी हला गतकाली राज्य रु 138 जन कोरोना आक्रांत हेले सुस्थ। गतकाली राज्य रु 138 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइतिबा स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ट्वीट करी सूचना देइछि। नुआ सुस्थंकु मिसाले राज्यरु एजाबत 3,32,377 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइतिबा रिपोर्ट रहिछि। गतकाली सुंदरगढ़ 22 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइतिबा बेले बरगढ़ 18, कटक 15, संबलपुर 10, नुआपड़ा 8, अनुगुल 7, बालेश्वर 7, भद्रक 7, पुरी 7, कलाहांडी 6, झारसुगुड़ 5, जाजपुर 3, नवरंगपुर 3, रायगढ़ 3, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, कंधमाल, केन्दुझर, खोर्धा,
सुवर्णपुर दुई जण लेखाएं बलांगीर गंजाम केन्द्रापड़ा कोरापुट और स्टेटपुल जणे लेखाएं कोरोना आक्रांत सुस्थ होती परवर्ती पिपिली आरंभ है बिजेडी मानस मंथन ब्लॉक स्तरीय नेता आलोचना कले पर्यवेक्षक प्रताप देव पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन पर्यवेक्षक प्रताप देवंक घरे आरंभ होईछि मानस मंथन महारथीक परिवाररु प्रतिनिधित्व पई दाबी करिछन्ति स्थानीय नेता पिपिली ब्लॉक अध्यक्षा कल्पना सामंतराय कहिछन्ति मुख्यमंत्री जहाँ प्रार्थी चूड़ांत करिवे से समर्थन करिवे तेबे महारथीक पत्नी प्रतिभा महारथीक प्रार्थी कले भल हेबो बोली से प्रस्ताव देइछन्ति गतकाली पर्यवेक्षक घरे बसिथिबा बैठक में पिपिली ओ डेलांग अंचल ब्लॉक स्तरीय नेता आलोचना करी सेमानक मतामत नेइछन्ति प्रताप देव खासकर महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री गुरुत्व देउथिबारु प्रतिभा प्रार्थी करा जाय परे बोली चर्चा हेउछि परवर्ती सीबीएसई दशम द्वादश बोर्ड परीक्षा सूची घोषित मार्च पहिलारु प्रैक्टिकल परीक्षा केन्द्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक गतकाली सीबीएसई दशम और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षार विभिन्न विषय पर तारीख सूची घोषणा करिछन्ति एही बोर्ड परीक्षा मे 4 रो आरंभ होई जून 10 पर्यंत चलिबो सेहिपरि मार्च 1 रो प्रैक्टिकल परीक्षा आरंभ हेबो शिक्षा मंत्री निज ट्विटर हैंडल रे एही परीक्षा विषय सूची घोषणा करिछन्ति गत डिसेंबर 31 रे शिक्षा मंत्री परीक्षार आरंभ और शेष तारीख घोषणा करथिले मात्र परीक्षार विषय सूची घोषणा करा जाय नथिला परवर्ती हेला जातीय राजपथरे डकायती योजना पंड 6 पिस्तल और 2 बंदूक सह 4 अभियुक्त गिरफ 16 नंबर जातीय राजपथ एक बड़ धरणर डकायती पाई योजना चलीथिबा बेले गंजाम जिला खलिकोट थाना पुलिस एहाकु पंड करी देइछि पुलिस 4 जण अभियुक्तक ठारु 6टी पिस्तल 2टी बंदूक 3टी बाइक समेत मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जबत करिछि गिरफ अभियुक्त माने हेले गंजाम जिला कोदोला थाना अंतर्गत बी नुआपाली गाँवर रंकनिधि खटेईक पुओ संतोष खटेई खैमेघी गाँवर कविराज जेनाक पुओ मुन्नाराम जेना फासी गाँव बैकुंठनाथ महापात्र पुओ राजगोपाल महापात्र और खलिकोट थाना अंतर्गत कन्हेपुर गाँव परशुराम दास पुओ धीरेन्द्र दास परवर्ती पुलिस गाड़ी में बसी झराफुल मृतदेह को फिंगी स्थान चिन्हला राकेश पुलिस रमादेवी छात्री झराफुल मृतदेह मिलता स्थान को अभियुक्त राकेश को नहीं कुआखिया थाना दियालखंडी अंचल में मृतदेह मिलता स्थान को चिन्हट कर अभियुक्त राकेश को पुलिस गाड़ी ओह्लैवाक नथिला गाड़ी भितर बसी मृतदेह पड़ा जगह को दूर चिन्हट कला अभियुक्त जगह चिन्हट पर राकेश को पुणी थाना को नि राकेश जड़े पाइप मिस्त्री होता बेले मयूरभंज जशीपुर झराफुल गाँव में बहुतला पाइप बिछा काम नियोजित थिला सेहिठारु उभयंक मध्यरे प्रेम संपर्क सृष्टि होइथिला झराफुल जेतेबेले भी भुवनेश्वर आसुथिले राकेश ताहा जानुथिला एवं उभय एठारे खुल्लम खुला मिलामिशा करुथिले परवर्ती हेला फेब्रुवारी 10 रु आरंभ हेबो पीजी प्रथम वर्ष पाठपढ़ा श्रेणी गृह रे पालन हेबो कोविड नियम कोरोना संक्रमण कमुथुबा बेले राज्य रे धीरे धीरे स्वाभाविक हेउछि स्थिति फेब्रुवारी 10 रु युक्त 3 द्वितीय और पीजी प्रथम वर्ष छात्र छात्रीक पाठपढ़ा ए संक्रांत रे गतकाली उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अरुण साहू सूचना देइछंती मंत्री डॉक्टर साहू को सूचना अनुसार पीजी रो प्रथम सेमिस्टर परीक्षा 7 जून रु 19 जून मध्यरे अनुष्ठित हेबो जुलाई 20 सुधा फलाफल प्रकाश पाइबो सेहिपरि यूजी कोर्स रो तृतीय सेमिस्टर एवं पंचम सेमिस्टर परीक्षा एप्रिल 19 रु 30 जाय हेबो 31 मे रे परीक्षा फल प्रकाश पाइबो फेब्रुवारी 8 रु कॉलेज ओ विश्वविद्यालय रो हॉस्टल खोलिबाकु अनुमति दिया जायछि परवर्ती हेला 21 वर्ष हेबो झियोंक विवाह बयस केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट को नोटिस सबु धर्म रो युवक और युवतीक विवाह संपन्न सर्वनिम्न बयस 21 करा जाउ एभले दाबी करी सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करा जायछि सुप्रीम कोर्ट एहा को ग्रहण करी केन्द्र सरकार को नोटिस करिछंती केन्द्र सरकार एहा उपरे जवाब रखिबा परे आसंता सप्ताह रे मामला रो परवर्ती सुनानी करा जिवो आवेदनकारी आहुरी कहिछंती जे बाहागर बयस 21 वर्ष करिबा को राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट रे थिबा आवेदन गुड़ी को सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतर करा जाउ ए संपर्क रे मध्ये जवाब देबा को केन्द्र को नोटिस रे कुहा जायछि विभिन्न कोर्ट रे मामला थिबारु भिन्न भिन्न राय आसीबार संभावना रहिछि परवर्ती हेला ओडिसा को मिलिबो मरुडी मुकाबिला पई 100 कोटी बात्य
ବନ୍ୟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ 800 କୋଟି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଓ ବାତ୍ୟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ନିମନ୍ତେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ 2021-26 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି ମିଳିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିୟମିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଆଗୁଆ ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ପି ଦେଲେ କଥା ସରିଲା। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ, ଗରମରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ କିଣିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋତଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନାଁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଖି ଧୋକା ଖାଇଯାଏ ତେବେ କଥା ସରିଲା, କାରଣ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି ମାଳମାଳ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ ହାନିକାରକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏଭଳି ଏକ ନକଲି ମୃତ୍ୟୁ ପାନୀୟ କାରଖାନାକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୁଲିସ ଓ ବିଏମ୍ସିର ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିଲା ବେପାର, ପୁଲିସର ନାକ ତଳେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେଉଥିଲା 2 ନମ୍ବରୀ କାରବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆହୁରି 9 ମାସ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଚାଷୀ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ। ଆହୁରି 9 ମାସ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ, 69 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଗତ 69 ଦିନ ହେଲା ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି।